साल 2018 का आखिरी महीना चल रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर के इंतजार में है। इस बीच अमेरिका से एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की है, जिसमें ओबामा सांता बने नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा वॉशिंगटन के नेशनल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों से सांता क्लॉज बनकर मिलने पहुंचे। लाल टोपी और कंधे पर गिफ्ट से भरा झोला लटकाए ओबामा को देखते ही हॉस्पिटल के सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में बिजी है, उस वक्त ओबामा बीमार बच्चों के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति को अपने बीच देखकर हॉस्पिटल में मौजूद सभी बच्चे काफी खुश हो गए। बच्चों को ओबामा ने तोहफा भी दिया और खूब सारा प्यार भी लुटाया। और अब प्रेसिडेंट सांता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ओबामा हमेशा से ही बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे हैं। प्रेसिडेंट रहने के दौरान कई बार उन्हें बच्चों के साथ खुलकर मस्ती करते देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांता बने ओबामा ने बच्चों को रिमोट कंट्रोल कार, पजल्स, हॉट व्हील सेट्स और ग्लिटरी नेल पॉलिश जैसे गिफ्ट्स दिए हैं। वही ओबामा ने हॉस्पिटल में बिताए पल का वीडियो भी ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और हॉस्पिटल के स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, चिल्ड्रंस नेशनल के सभी बच्चों, परिवारों और स्टाफ को मैरी क्रिसमस। मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ।